बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी वेज क्रेप रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अनोखे इसलिए है कि बगैर किसी पट्टी के एनी टाइम आप इसे घर पर बना सकते हैं स्नैक के तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। इसके साथ ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। मैंने लिया है एक अदद वॉक और उसके अंदर जस्ट एक टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी और आधी बंद गोभी मैंने बारीक श्रेड की हुई है उसे शामिल करूंगी। इसे पकाना वकाना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को कम करने और एक मिनट के अंदर ही मैं तमाम प्रोसेस को कंप्लीटली डन कर दूंगी। दो गाजरें लिए, उन्हें वर्टिकली बारीक काट लिया है, वो भी शामिल करूंगी और इसी के साथ शिमला मिर्च एक बड़ी, वो भी बारीक कटी हुई, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बिलीव मी, सिर्फ वेजिटेबल से ही बगैर किसी चिकन के यूज से आप बहुत ही जबरदस्त किस्म के कलरफुल रोल प्रिपेयर कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर पाउडर, लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। आप अगर चाहे तो अपनी पसंद से लाल मिर्चें और चाट मसाला डाल सकते हैं। मेरे चूंकि बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैं लाल मिर्चें अवॉइड कर रही हूं। आप अपने मिजाज के मुताबिक मसाले रख सकते हैं। बस जस्ट अभी ये स्प्रिंग अनियन है, मैंने इसका ग्रीन पार्ट लिया और दो अदद हरी मिर्चें लिए, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी और चूल्हा कर दूंगी बस। अनियन डालने के बाद और कुछ नहीं पकाना। अभी भी मेरे वेजिटेबल का कलर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैंने गर्म वॉक से इसे निकाल दिया और प्लेट में डाल दिया ताकि मजीद कुकिंग ना हो और वेजिटेबल अपने कलर के साथ रहे। एक कप मैं लूंगी मैदा और इसे बाउल में शामिल करूंगी। एक अदद अंडा डालूंगी। आप अगर अंडा ना यूज करना चाहें तो 3 टेबलस्पून दही डाल दीजिएगा, बहुत जबरदस्त सॉफ्ट बनेंगे। हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक शामिल करूंगी और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर दूध लिया। आप अगर दूध ना शामिल करना चाहें तो पानी से भी बेटर बना सकते हैं इसका। दूध इसे और बहुत ज्यादा टेस्ट में रिच कर देता है। और हैंड मिक्स की मदद से इसे मिक्स करती चली जाऊंगी और पूरा 1 कप दूध डालने के बाद मुझे अभी भी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैंने 1/4 कप और दूध लिया और वो शामिल कर दे। टोटल मुझे इसके अंदर तकरीबन 1 कप एंड 1/4 कप मिल्क रिक्वायर्ड हुआ, आप तकरीबन 1/4 कप के करीब। बस इतनी कंसिस्टेंसी का एक थिन सा और बिल्कुल ब्लेंडेड बैटर प्रिपेयर कर लिया है मैंने। अब एक अदरक कटोरे में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब मैदा और 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसे मैं एज अ ग्लू लूंगी ताकि मैं रोल को सील कर सकूं, उसे बंद कर सकूं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, साइड पे रख दूंगी। अब मैंने एक तवा लिया और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया और 1/3 कप लिया। कप इसलिए लिया ताकि तमाम क्रेप एक ही साइज के बन सके, ठीक है। और ये 1/3 कप इसके ऊपर बैटर डालने के बाद क्रेप का और इसी की बैक साइड से मैं इसे फैला लूंगी। ये जो क्रेप आप बना रहे हो तवे के ऊपर, आप आंच को बिल्कुल भी तेज मत कीजिएगा, मीडियम आंच पर इसे पकाइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन खत्म करना है। आप देख सकते हैं कोई कलर कुछ भी नहीं आया इसके ऊपर, कोई ज्यादा ऑयल मैंने कुछ नहीं डाला था, बस सिर्फ जस्ट इसका कच्चापन खत्म करना है और सॉफ्ट से क्रेप इस तरह से। दूसरी साइड पे थोड़े से देखिए बबल से ब्राउन से बन गए, बस इतना। और अब मैं इसे, ये मेरा रेडी हो गया, मैं इसे प्लेट के ऊपर रख लूंगी। अब मैं दूसरा इसी तरह 1/3 कप बैटर लूंगी और इसकी बैक साइड से इसे अच्छी तरह से फैला लूंगी जितनी मुझे क्रेप की वो चाहिए। बारीक रहिएगा तो बहुत ज्यादा क्रंची रोल बनते हैं, जितना मोटा बनाएंगे तो फिर आपके उस तरह से क्रंची नहीं बनेंगे, बस सिर्फ इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब दोबारा इसकी साइड पलटूंगी, देखिए कोई कलर नहीं आया और 1 मिनट एक साइड को दूंगी और 30 सेकेंड दूसरी साइड को दूंगी, बस इसका कच्चापन मुझे खत्म करना है। 1 मिनट और 30 सेकेंड इस तरह से रखिएगा। अब मेरी जो साइड थोड़ी सी कलर वाली है वो अंदर की तरफ और जिसके ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं वो नीचे की तरफ मैं रखूंगी। और थोड़ा सा मसाला जो कि वेजिटेबल का ये कलरफुल सा और जबरदस्त मजे के साथ प्रिपेयर हुए शामिल कर दूंगी। आप अगर लहसुन पाउडर ना डालना चाहे तो आप लहसुन के 3 जवे इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मेरी बेटियों को लहसुन का जायका पसंद नहीं होता, इससे मैंने पाउडर यूज किया। मोजरेला चीज थोड़ी सी डालूंगी और साइड से पहले इसे फोल्ड करूंगी ताकि ये निकले ना, और फिर दूसरी साइड लेकर इसके ऊपर अपने हाथों की मदद से मसाले को अंदर की तरफ प्रेस करूंगी और इन्हें फोल्ड करना शुरू कर दूंगी। अब जब लास्ट साइड रह जाएगी मैं अपना ग्लू लूंगी और उसे थोड़ा सा इसके ऊपर फैला लूंगी और इसे सील कर लूंगी, और जिस साइड पे मेरा ग्लू होगा उसी साइड से बंद करके उसी साइड से मैं इसे नीचे रख दूंगी ताकि ये सील रहे और खुले ना जब तक से मैं बाकी प्रिपेयर कर लूं। अब सारे मैंने इसी तरह से रोल प्रिपेयर कर लिए। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इतना
इस रोल के आधे से भी कम ऑयल मैंने लिया। आप चाहे तो उसे और भी शैलो फ्राई कर सकते जैसे आपको मर्जी हो, तवे पर थोड़े से 3 टेबलस्पून में भी कर सकते। और 3 रोल डालूंगी और उस वो साइड पहले रखूंगी जिसके ऊपर मेरा ग्लू लगा हुआ है, ताकि वो जाते ही साइड ही ऑयल में सिक्योर हो जाए और ये खुलने का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है, इन बस छोटी बातों का ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल गोल्डन कलर करूंगी इसको मीडियम आंच पर, इसे फ्राई करूंगी मैं ताकि क्रंची फ्राई हो ये, और ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, ये गोल्डन कलर इसके लिए इनफ है। अच्छी तरह से ऑयल निकालूंगी और पेपर नैपकिन के ऊपर इसे प्लेट के अंदर निकालूंगी। अब आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त रोल बगैर किसी पट्टियों के एनी टाइम आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ स्नैक और एज अ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और बहुत सारी आइडियाज आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मैं काट के दिखाती हूँ, आप देखें चीज किस तरह जबरदस्त तरीके से मेल्ट हो चुकी है और जो मसाले काली मिर्चे और चीज है बहुत ज्यादा जबरदस्त टेस्ट था लहसुन पाउडर के साथ इसका, और इसका कलर कितना अमेजिंग है। होप करूंगी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो यार इतनी जबरदस्त रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, इसके साथ ही हम्बल रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर आ चुके हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, मेरे बाकी चैनल का भी विजिट कीजिए, आपको इसी तरह से आसान और जबरदस्त रेसिपीज देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो इनशाला आपसे होप करूंगी दूसरी रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह।